Remember the name. 15.3 ओवर। वेस्ट इंडीज का स्कोर 107 रन पर 6 विकेट। पिछले 10 बॉल में 3 इंपॉर्टेंट विकेट गिर चुके थे। एक वक्त ऐसा था जब इस वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का दबदबा पूरे विश्व क्रिकेट में था। सभी टीम उन्हें हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती थी, लेकिन साल 1983 वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने सिर्फ डाउनफॉल ही देखा। बड़े बड़े प्लेयर्स आए, पर ICC टूर्नामेंट जैसे बड़े स्टेज पे ये टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। फरवरी 2009 से जुलाई 2012 के बीच खेले गए 33 टेस्ट मैच में सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज टीम जीत पाई थी। T20 फॉर्मेट में विंडीज का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन 2012 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी इस टीम को वो सम्मान, वो ओहदा नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। 2016 T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर उन्हें इस फॉर्मेट में अपनी बादशाहत दिखाने का मौका मिला। टूर्नामेंट से ठीक पहले फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर मार्क निकोलस ने कहा, वेस्ट इंडीज के पास दिमाग से खेलने वाले प्लेयर्स नहीं हैं। आखिरी 30 बॉल में 52 रन चाहिए थे। वेस्ट इंडीज टीम के पास एक मौका था, मौका पूरी दुनिया और मार्क निकोलस को ये बताने का कि हमारे पास भी दिमाग है। 16 मार्च 2016 को ग्रुप स्टेज मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। इंग्लैंड के 182 जैसे विशाल लक्ष्य को चेज करते हुए क्रिस गिल ने 48 बॉल में नाबाद 100 रन बनाए। सेमीफाइनल में 130 करोड़ इंडियंस का दिल तोड़ने के बाद वेस्ट इंडीज वापस से फाइनल्स में इंग्लैंड के सामने खड़ी थी। ये साल वेस्ट इंडीज का था। फरवरी में अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता, और आज इसी ग्राउंड में वुमेन्स वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। शाम में मेंस टीम को इतिहास लिखने की बारी थी। T20 फॉर्मेट में ज्यादातर टीम चेस करना पसंद करती है, और ऐसी टीम जहां एक से एक बिग हिटर्स मौजूद थे। टॉस जीतने के बाद विंडीज ने बॉलिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम 155 का स्कोर बना पाई। जवाब में बैटिंग करने आई वेस्ट इंडीज के दोनों ओपनर्स दूसरे ओवर में ही आउट हो गए। लैंडन सिमंस, जिन्होंने सेमीफाइनल में इंडिया के अगेंस्ट मैच विनिंग पारी खेला था, वो पहले ही बॉल पे डेविड विली के बॉल के शिकार हो गए। एक छोर पे मार्लोन सैमुअल्स टिके हुए थे, तो दूसरी ओर ड्वेन ब्रावो पारी को आगे ले जा रहे थे। 13.5 ओवर में विंडीज का स्कोर 86 पर 3 विकेट। विंडीज रिक्वायर्ड रन रेट को मैनेज करते हुए चल रहे थे, लेकिन अगले 10 बॉल में सब कुछ पलट गया। वेस्ट इंडीज टीम ने अपने 3 इंपॉर्टेंट विकेट खो दिए थे, जिसमें कप्तान डेरन सैमी और खतरनाक आंद्रे रसल का विकेट शामिल था। 15.3 ओवर में जब डेरन सैमी ने स्ट्रेट बॉल को डीप पॉइंट फील्डर के हाथ में दे मारा, डगआउट में बैठे सैमुअल बद्री ने अफसोस जताया, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, बना बनाया मैच इस मोड़ पे कैसे आ गया। डगआउट में सभी एक दूसरे को देख रहे थे कि बैटिंग पे कौन जाएगा। विकेट को बचाने के लिए दिनेश रामदीन, जो अपना 58वां T20 मैच खेल रहे थे, या कार्लोस ब्रैथवेट, जो अपना 8वां मैच खेल रहे थे। रिक्वायर्ड रन रेट 11 के पार जा चुका था। कार्लोस ने बल्ला पकड़ा और आगे बढ़े। उन्हें अपने आप पे भरोसा था, उन्हें पता था टीम में उनका यही रोल है, पिच पे जाके पावर हिटिंग करना। ये एक डिसीजन था जो सिर्फ कुछ सेकेंडों में लिया गया था। बड़े मैच में ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स और डिसीजंस होते हैं जो मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। 1983 वर्ल्ड कप में कपिल देव का पीछे भागते हुए विव रिचर्ड्स का लिया हुआ कैच। 1992 वर्ल्ड कप में वसीम अकरम का 2 बॉल में 2 विकेट। 2011 वर्ल्ड कप में धोनी का कुलसेकरा के बॉल पे विनिंग 6। और 2015 वर्ल्ड कप में स्टार्क द्वारा घातक बैट्समैन ब्रैंडन मैकुलम को 0 पे आउट करना। ये तो पता नहीं कि अगर उस दिन दिनेश रामदीन बैटिंग करने जाते तो इतिहास कैसा होता, लेकिन कार्लोस ब्रैथवेट उस दिन बल्ला और कलम दोनों अपने हाथ में लिए पिच पर गए। 2 महीने पहले IPL ऑक्शन में 4,20,00,000 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने कार्लोस ब्रैथवेट को अपनी टीम में शामिल किया था, बावजूद इसके कि अपने 16 इंटरनेशनल मैच में उनके नाम सिर्फ 6 विकेट्स और 2 अर्धशतक शामिल थे। फिर क्या वजह रही होगी दिल्ली डेयरडेविल्स को इतने भारी दाम में कार्लोस को अपनी टीम में शामिल करने की? वजह पिछले 2 CPL के सीजन में कार्लोस ने 155 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी। लंबे लंबे छक्के मारने की ताकत और मिडिल ओवर्स में अपनी तीखी बॉलिंग से बन रही पार्टनरशिप को तोड़ना, और आज ये दोनों स्किल काम आने वाली थी। बॉलिंग करते हुए कार्लोस ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट झटके थे, और अब बैटिंग की बारी थी। जब कार्लोस बैटिंग करने आए तो विंडीज को जीत के लिए 27 गेंदों में 49 रन चाहिए थे। मार्लोन सैमुअल 67 रन पे खेल रहे थे। पहले 6 बॉल कार्लोस ने नॉन स्ट्राइकर एंड से देखा। जब उन्होंने अपना पहला बॉल खेला तो विंडीज को जीत के लिए 21 बॉल में 40 रन चाहिए थे। डेविड विली के बॉल पे बहुत ही कड़क इनसाइड आउट शॉट मारा, बॉल सीधा कवर्स पे तैनात मोइन अली के पास गई, सिर्फ 1 रन मिला।
18वें ओवर के आखिरी बॉल पर सैमुअल्स ने कहा, ये तुम्हारे लिए फ्री हिट है, मैं नहीं भाग रहा। विली के बॉल पे कार्लोस ने विकेट कीपर के ऊपर से एक रैंप शॉट मारा। विंडीज को आखिरी 12 बॉल में 27 रन चाहिए थे। क्रिस जॉर्डन बॉल डालने आए, पहले बॉल पे मार्लोन ने चौका मारा और बाकी 4 बॉल पे सिर्फ 4 रन। आखिरी बॉल एक डॉट बॉल था। अब 6 बॉल पे 19 रन चाहिए थे। इंग्लैंड वर फेवरेट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बेन स्टोक्स बॉलिंग पे आए। सैमुअल्स ने कार्लोस से कहा, इट्स योर गेम नाउ। वेस्ट इंडीज स्टाइल कहता था, ना ही 4 चौका और एक डबल, ना ही 3 चौका और एक छक्का, बस छक्का। स्टोक्स की पहली बॉल लेग साइड की तरफ, कार्लोस ने फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारा, बॉल दर्शक दीर्घा में। जब कार्लोस ने वो शॉट मारा, उन्हें एहसास हो गया था अब ये उनका जोन है। वो बेन स्टोक्स की अगली बॉल का वेट कर रहे थे। अगली बॉल में कोई बुराई नहीं थी, मिडिल और लेग स्टंप पे फुल लेंथ डिलीवरी। कार्लोस ने अपना फ्रंट फुट क्लियर करके बल्ला घुमाया, मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का। स्टोक्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैं हर बॉल एक यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसकी काफी प्रैक्टिस कर रखी थी। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये बॉल डाल के मुझे कॉन्फिडेंस आया, उस दिन मैं थोड़ा वक्त ले सकता था, मैंने वापस बॉल डालने में जल्दबाजी करी थी। तीसरी बॉल भी दूसरे बॉल की ही तरह थी। कार्लोस ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का ट्राई किया, लेकिन बल्ला थोड़ा घूम गया और मिस हिट में भी बॉल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का के लिए चला गया। 3 बॉल पे 3 छक्का, अब इक्वेशन 3 बॉल 1 रन। इयान बिशप, जिन्होंने बहुत ही करीब से वेस्ट इंडीज क्रिकेट को देखा है, इसकी स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन्स, कमेंटरी बॉक्स से वो मैच देख रहे थे। मैच पूरी तरह विंडीज के पकड़ में थी और वो आखिरी छक्का जिसने विंडीज क्रिकेट को वो सम्मान वापस दिया जिसके वो हकदार हैं। इस टूर्नामेंट में आने से पहले वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इतने कर्ज में थी कि वो प्लेयर्स के लिए किट्स अरेंज नहीं कर पाई। प्लेयर्स ने खुद टी-शर्ट्स बनवाए और अपने पुराने किट बैग्स से खेला। वेस्ट इंडीज वोमेन क्रिकेट टीम जीत के बाद उसी स्टेडियम में थी और अब मेंस टीम के लिए चीयर कर रही थी। सारे फोन्स के कैमरा और फ्लैश लाइट्स ऑन थे। स्टोक्स का 4th बॉल, वो कहीं भी बॉल डालते कार्लोस बल्ला घुमाने वाले ही थे। ओवर का 4th बॉल और 4th छक्का। उस दिन डेरेन सैमी और उनकी टीम ने मार्क निकोलस और ऐसे ही न जाने कितने ही लोगों को ये जवाब दिया कि हो सकता है हमारे पास कम दिमाग है, पर हमारे पास 15 ऐसे दिमाग हैं जो देश के लिए, टीम के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। साल 2016 वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के इतिहास का सबसे सुनहरा साल रहा। ये पहला ऐसा देश था जिसने एक ही साल में अंडर 19 वर्ल्ड कप, वोमेंस T20 और मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता हो। इस टीम ने हमें दिखाया कि जब आदित्य जामुंडा के सामने आता है तो हो सकता है हर बार आदित्य ना जीते, लेकिन एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब एक एवरेज टीम एक बड़े और स्ट्रांग टीम को गिराने की ताकत रखती है। उन्होंने हमें दिखाया कि वो जीतना जानते हैं और हमें सिखाया कि उस जीत को सेलिब्रेट कैसे करते हैं। उस दिन विंडीज क्रिकेट चैंपियंस गाने पे असली चैंपियंस की तरह झूम रही थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।